हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों आज हम आ चुके अंधेरी, अंधेरी में है ये महाकाल केव। अभी हम पहुंच चुके हैं, देखते हैं अंदर क्या देखने मिलता है, आप लोग को भी दिखाते हैं, देखना वीडियो पूरा। जैसे ही आप अंदर घुसोगे यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा, फिर आप अंदर एंट्रेंस ले सकते हो। टिकट का चार्जेस आएगा 20 रुपया। फिर यहीं से आप ऐसा अंदर जाओगे तो को देखने मिलेगा क्या है क्या नहीं, देखते हैं अभी अपन। और ये ऑनलाइन ही बुकिंग होएगा, ऑफलाइन टिकट नहीं मिलता है यहाँ से, आपको ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा। जैसे ही आप अंदर एंट्रेंस करोगे तो ऐसा नज़ारा देखने मिलेगा, ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी गुफा है। अभी अपन देखते हैं पहले कैसा है नज़ारा, ये देख सकते हो बाहर से ऐसा दिखेगा, अभी अपन अंदर जाएंगे तब पता चलेगा अंदर क्या है। ये गार्डन जैसा मस्त बनाया हुआ है, ये देख सकते हो ये गुफा है। अभी अपन जाएंगे अब इसके यहाँ पे अंदर, देखते अंदर क्या देखने मिलता है। ओके, कोई नहीं है, एक भी सब शांत है एकदम। अभी अपन जा रहे गुफा के अंदर, देखते पहली गुफा से स्टार्ट करते हैं अंदर क्या देखने मिलता है। ये देखो ऐसा नज़ारा है, आप पुराने आर्किटेक्चर देखना चाहते हो तो आ सकते हो आप लोग भी देखने के लिए। अंधेरी में ये 5 से 9 बजे तक चालू रहता है, फिर उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। ये देखो अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बना है, सब पत्थर काट काट के। ये देखो आप अंदर से अंदर ऐसा जा रहे हैं, ये है गुफा, यहाँ गया अपन दूसरी गुफा में। हाँ देख सकते हो यहाँ पे ऐसा दिखेगा ये। ये ऐसे अंदर कमरे बनाए हुए, पहला दूसरा देखे अपन, ये तीसरा। अभी अपन जा रहे ऊपर, देखते हैं ऊपर क्या है। देख सकते हो ऊपर ये ऐसा बहुत, ये बड़ी बड़ा कमरा दिख रहा है। ये सब बौद्ध ऋषि लोग ने बनाया हुआ था ये आर्किटेक्चर, देख सकते हो। अपन ने देखे बोरीवली में भी था ये केनेरी केव, दहिसर में भी था ये, ऐसा दिखेगा। दहिसर में है मनपेस केव, ये सब ये है। अपन पहुँच चुके अंधेरी, अंधेरी में भी है ये सब। जैसे ही आप इस गुफा से बाहर आओगे तो सामने है ये शेषनाग बना हुआ, ये भी पूरा पत्थर काट के ही बनाया हुआ, देख सकते हो पूरा शेषनाग बनाया हुआ है। ये सब बहुत पुराना आर्किटेक्चर है, 4थी 5वीं सदी का। ये अपन जाएंगे आगे, बाकी बहुत अच्छी जगह है, शांत एकदम, अंधेरी में बम्बई में। देख सकते हो ये नज़ारा देखने मिलेगा आप लोग को। ऐसा सब अंदर सब गुफा है अंदर, ये बाहर का नज़ारा है, बहुत सारी गुफा है, अलग अलग कमरे बनाए हुए। आप लोग को भी ये सब देखने का इंटरेस्ट है तो आ सकते हो ऐसा, ये देख सकते हो अंदर से ऐसा दिखेगा ये सब। ये वो कैसे अटका हुआ है, थोड़े से क्लियर बच के पूरा नहीं उड़ जाएगा, ज़्यादा आवाज कर रही है, शांति एकदम ऐसा देखने मिलेगा। वहाँ पे देखो पुरानी मूर्ति भी है, देखते हैं अपन वहाँ जाके। थोड़ा और चल के आओगे तो फिर आपको एक ये दिखेगा, जो माना जाता है कि शिवलिंग है या फिर कुछ और, बहुत लोग शिवलिंग ही बोलते हैं। यहाँ पे है ना, ये चप्पल निकाल के जाना पड़ता है और शांति बनाए रखना, ऐसा साइन बोर्ड लगाया हुआ है, देख सकते अभी अपन अंदर जाते हैं।
ये देख सकते हैं स्टैचू बनाया हुआ था, सब अभी खंडित हो चुका है। ये सब चौथी पांचवी सदी का है, देख सकते हो अंदर। ये शिवलिंग था ऐसा बोला जाता है, अभी अपने का तो पता नहीं। ये देखो अंदर से ऐसा दिखेगा। बाकी आप लोग को आने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा। ये देख सकते हो ये सब आर्किटेक्चर था, अभी सब खंडित हो चुका है। देख रहे हो सब स्टैचू पे खंडित हो चुका है। ये जगह तो बहुत अच्छी है, शांत एकदम। ये देख सकते हैं मेरे पीछे से बनी गुफाएं बहुत सारी बनी हुई है यहाँ पे, 28-29 गुफाएं ऐसे वैसे कमरे बने हुए। अंधेरी स्टेशन उतर के आपको ऑटो या फिर बस लेके आ सकते हो। ये महाकाली केव बोलेगा तो कोई भी आपको छोड़ देगा वहाँ तक, और इसका बुकिंग आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ऑफलाइन नहीं होता। आपको यहाँ आने से पहले आपको टिकट अपना ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा। अब ये सब नज़ारा देख सकते हो मेरे पीछे, ऐसी सब गुफा है। जैसे ही आप थोड़ा और आगे आओगे तो एक और गुफा है, बहुत बड़ी है, देख सकते हो कैसे सब ऊपर नीचे सब बनाया हुआ बैठने के लिए पुराने ज़माने के हिसाब से। ये देख सकते हो, अभी अंदर जाके देखते हैं अपन ये गुफा में क्या देखने मिलता अपने को। देख सकते हो पिलर सब हो गए पुराने, ये अंदर से ऐसा देखने मिलेगा। बाकी अभी कोई नहीं हो तो मेरे को 100 प्लेस जैसा लग रहा है। कि आप आओ तो दो चार जन साथ में आना तो और मज़ा आएगा ये सब एक्सप्लोर करने में। ये देख सकते हो ये पूरा जो पहाड़ काट के बनाया हुआ है, पूरा ऊपर पहाड़ है और नीचे ये पूरा गुफा बनाया हुआ है। बहुत सारी सब कमरे है मेरे हिसाब से, सब अंदर अंदर बनाया हुआ। ये बाकी बाहर से आपको ये सब ऐसा नज़ारा देखने मिलेगा। अभी अपन जा रहे पीछे साइड, वहाँ देखते हैं क्या है। ये टाकी है पानी, यहाँ पे ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी है, ये सब बनाया हुआ। अपन जा रहे पीछे, सकते हो मस्त साफ सुथरा है यहाँ पे, ना कचरा ना गंदगी कुछ नहीं, हरियाली हरियाली। अभी बारिश का टाइम है तो मस्त ग्रीन ग्रीन हो चुका। कि आप लोग को भी ऐसा घूमना है तो आ सकते हो। अभी अपन जा रहे पीछे साइड, देखते हैं वहाँ कितनी गुफाएं हैं। पीछे आओगे तो आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा, ये देख सकते हो ऐसे केव है बनी हुई, ऐसा देखने को मिलेगा आपको पीछे साइड। कमरे कमरे देख सकते हो, बाकी ऐसा नज़ारा देखने मिलेगा आपको भी। अगर आना है तो आ सकते हो, अभी टिकट पहले आपको निकालना पड़ेगा ऑनलाइन तो ही अंदर एंट्री मिलेगा, नहीं तो फिर यहाँ तक आने के बाद आपको फिर वापस जाना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले ऑनलाइन बुक करके आ जाना टिकट, या फिर यहाँ पर आके आपको फिर बुक करना पड़ेगा ऑनलाइन। ठीक है, ये वीडियो करते हैं अपन यहाँ पे अभी ख़त्म। नज़ारा तो मस्त है एकदम, खुला खुला ग्रीन ग्रीन। ये जगह है अंधेरी में महाकाली केव, ये सब गुफा विफा आपको देखने मिलेगी। अब ये वीडियो करते हैं अपन यहाँ पर